अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़े डिटेल के अंदर फाइबर लेवल सिस्टम्स के अबाउट देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फाइबर के कस्टमर सपोर्ट के अबाउट कि लेट्स से आपको कोई भी इशू आ रहा है अपने गिग पब्लिश करने में, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आपका नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, या आपका अकाउंट बन नहीं रहा, या इस तरह से बहुत सारे आपको इशूज आ जाते हैं, या कोई भी आपका जो बायर है वो आपको आता है और आपके साथ स्कैम करता है, या कोई और बात होती है किसी भी तरह की, आपको सपोर्ट चाहिए फाइबर से, तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। चले लैपटॉप स्क्रीन पे चल के देखते हैं मजीद। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास हम अपनी प्रोफाइल के अंदर है, राइट। और अगर मैं इसको बिल्कुल फुटर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सपोर्ट का, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे देखें हेल्प एंड सपोर्ट और सेलिंग ऑन फाइबर। अब ऑब्वियसली बात है, मैं सेलर हूँ तो मेरे रेलिवेंट जो भी वो सपोर्ट्स आएंगे तो वो यहाँ पे आएंगी। देखें यहाँ पे इन्होंने बड़े डिटेल के अंदर डिफरेंट इश्यूज के अबाउट डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल किस तरह से, टिप्स फॉर सक्सेस, प्रमोट योर फ्रीलांस बिजनेस, FAQs और डिफरेंट सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत डिटेल के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप मज़ीद अगर कोई और एक्स्ट्रा हेल्प चाह रहे हो जो कि आपको यहाँ से नहीं मिलती, राइट, इन आर्टिकल्स में प्री मेड वीडियोज़ के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट टू द सपोर्ट। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट आ गया और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट सिक्योरिटी के अबाउट हमारा कोई क्वेश्चन है, हम फाइबर से बाय करना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट हमें कोई इशू आ रहा है, सेल कर रहे हैं उसके रेलिवेंट कोई इशू आ रहा है, या कोई और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और टर्म्स एंड कंडीशंस के अबाउट आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ सेलिंग ऑन फाइबर और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको पेमेंट विड्रॉल में इशू आ रहा है, आपको ऑर्डर्स में इशू आ रहा है, गिग्स वगैरह में इशू आ रहा है, या सेलर बनने में, या इसके अलावा और सारी चीज़ें जैसे सेलर डैशबोर्ड और स्टैटिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों में इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे पेमेंट विड्रॉल में इशू आ रहा है, तो यहाँ पे देखें टैक्स एंड सर्विसेज और डिटेल के अंदर यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे लेट्स से अनेबल टू विड्रॉ फंड्स और यहाँ पे इन्होंने हमें एक बेसिक सा आर्टिकल दे दिया। अगर आप स्टिल इससे नहीं सेटिस्फाई होते, अगेन कस्टमर सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना इशू लिखेंगे और यहाँ पे उस इशू को डिस्क्राइब करेंगे और कोई भी उस इशू का यहाँ से स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे और उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे, फाइबर की तरफ ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल को रिव्यू करके एज सून एज पॉसिबल आपको क्या करेगा, वापस रिस्पॉन्स कर देगा। वो रिस्पॉन्स आपको ईमेल पे भी अपनी पे रिसीव हो जाएगी जो इस अकाउंट के साथ एसोसिएट है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है माई सपोर्ट रिक्वेस्ट और इसके ऊपर भी आपको उसका स्टेटस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अभी आपने कोई भी सपोर्ट ओपन नहीं की हुई तो यहाँ पे उसका स्टेटस और चैट जो फाइवर ने रिस्पॉन्स किया होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा फाइवर की कोई लाइव चैट सिस्टम या लाइव चैट सपोर्ट नहीं है, आपको इसी तरह से ही फाइवर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से फाइवर का सपोर्ट सिस्टम काम कर सकता है और आप किस तरह से उनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।